आज हम आपको घर पर ही चमनप्रास बनाने का सबसे आसान तरीका सिखाने वाले हैं। बाजार में बिकने वाले चमनप्रास से बहुत ही कम खर्च में एकदम घर की चीजों से इस चमनप्रास को आप बना सकते हैं और ये जल्दी खराब भी नहीं होता है और लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चमनप्रास घर पर कैसे बनाया जाता है। चमनप्रास के लिए हमने आधा किलो आमले लिए हैं। गैस पर हमने कुकर रख दिया है। इसको आमले को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको इसमें डाल देना है। इसमें हम 2 कप पानी ऐड कर रहे हैं। इसका ढक्कन लगा कर हमें इसमें 3-4 सीटियाँ लगा लेनी है ताकि इसको उबल जाए। हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें हमने 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लौंग, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चक्रफूल, 10 हरी इलायची, 4 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, इनको मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर इनको पीस लेना है। पत्ता को इस तरीके से तोड़कर इनको इसमें डाल देना है। इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। इसको एक प्लेट लेकर एक छन्नी इस पर रखकर इसको अच्छे से छान लेना है ताकि जो इसमें मोटे मोटे रेशे रह गए हैं वो छलनी में ही रह जाएंगे। इसको हमने छान लिया है। इसके जो मोटे मोटे रेशे रह गए थे इसको ये छलनी में ही रह गए हैं। ये बारीक बारीक इसमें आ गया। अब इसको हम एक अलग साइड को कर देते हैं। इसको इसमें नहीं डालना है। ये हमने 10 खजूरें लिए जिसको हमने इसके गुठली निकाल कर इसको हमने भिगो कर रख दिया था। और ये हमने 1/2 कटोरी किशमिश लिए जिसको हमने भिगो कर रख दिया था। थोड़े से हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं। अब इसको भी मिक्सी के जार में डालकर हमें पीस लेना है। हमने वही वाला जार यूज़ करना है। इस जो थोड़े तुलसी के पत्ते हैं इसको भी इसमें डाल देना। आप चाहें तो इससे थोड़े ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये जो चीज़ हम चमनप्रास में ऐड कर रहे हैं ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए। इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये अच्छे से पिस चुका है। आमले में हमने 4 सीटी लगा ली हैं। इसका प्रेशर भी हमने निकाल दिया है। अब इसका ढक्कन खोल देते हैं। आमले हमारे अच्छे से गल चुके हैं और ये फट भी चुके हैं तो मतलब अच्छे से भी उबल चुके हैं। अब इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। सारा आमले को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको इस तरीके से तोड़ लेना है। इस तरीके से इनको थोड़ा ठंडा होने पर हमें इस तरीके से तोड़कर इनके बीज को अलग कर देना है। इनको अलग अलग पीसों में कर लिया है। इसके बीज अलग कर दिए हैं और ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड करते हैं। इसे थोड़े से आमले को हमें इसमें डालकर ग्राइंड कर लेना है। इसमें पानी नहीं डालना है। इसका बारीक पेस्ट बना देना है। इसका हमने पेस्ट बारीक पेस्ट बन चुका है। कांच का हमने एक डोंगा लिया है। ये इस तरीके से बारीक पेस्ट बन जाएगा। इसका इसी तरीके से बनाना है। गैस को हमने ऑन कर दिया है। इस पर हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी हमने पिघला हुआ दिया है। 2 चम्मच हमने घी ऐड कर दिया क्योंकि हमारे छोटे चम्मच है। ये हमने 1/2 किलो गुड़ लिया है। 1/2 किलो ही हमने आमला लिया था उसी के बराबर की मात्रा में हमने 1/2 किलो गुड़ लिया है। अब इसको इसमें डाल देना है। और इसको इस तरीके से कट कर लेना है। इसको चलाते रहना है ताकि गुड़ हमारा अच्छे से पिघल जाए। ये चाशनी जैसी बन जाए। गैस को हमने स्लो ही रखा है। इसको तेज नहीं करना नहीं तो हमारा ये गुड़ जल जाएगा। थोड़ी देर में ही हमारा ये गुड़ चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। गुड़ हमारा अच्छे से पिघल चुका है। अब इसमें हम जो हमने आमला पीस के रखा था इसको इसमें डाल देना है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको जब तक पकाना है जब तक कि इसका आमले का जो ये पानी है ये खुशक नहीं हो जाए। ये थोड़ा पक चुका है। जब तक हम इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड कर देते हैं। ये इसको इसमें ऐड कर देना है। इसे इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। 1 चम्मच हमने पिसा हुआ अदरक लिया है। आप चाहें तो आपके पास सॉल्ट का पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको इसमें मिक्स कर देना है। अब इसे थोड़ी देर और पकाना है जब तक कि इसमें जो पानी था इसका पानी अच्छी तरीके से खुशक हो जाए। पकते पकते ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें जो हमारा सूखा मसाला जो खड़े मसाले हमने पीसे थे इस मसालों को हमें इसमें ऐड कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। 5 मिनट तक इसे हमें और पकाना है। चमनप्रास बनकर हमारा तैयार हो चुका है। इसने कढ़ाई को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसी तरीके से हमें इसको बनाना है।
तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी बाजार जैसा चमनप्रास बहुत ही कम दामों में घर पे बना सकते हैं। तो विंटर सीजन में आप इसको जरूर ट्राई करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।